अक्सर मेरे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई पद दे दीजिए, दिला दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करना चाहते हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप पार्टी के लिए काम करिए, मेहनत करिए, लोगों को जोड़िए, पद आपको अपने आप मिलेगा। मैंने स्वयं 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, किसी से कहलाना नहीं पड़ा। 2009 में लोकसभा का टिकट मिला और जीतने के बाद दो बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की और 2014 में, क्योंकि अधिकांश जगह पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, मैं भी हारा, लेकिन जनता के बीच में बना रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता रहा, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा संकल्पित रहा। तो 2014 में ही मुझे राज्यसभा भेजा, 2017 में छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया और 2020 में दोबारा छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी दी। मैं हमेशा अपने काम में लगा रहा और पार्टी मुझे सम्मानित करती रही। जरूरत इस बात की है कि पार्टी के को मजबूत करें, पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के लिए खतरा बनी हुई है, उनको हराने के लिए उनकी वस्तु स्थिति पहुंचाने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का नारा दे रही है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस पार्टी की मुहिम चल रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, तब वो अंग्रेजों के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे थे। आज भी समाज में धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। ये सभी बातें हमें जनता तक पहुंचानी है और सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़े समय में बहुत दूर तक सबसे ज्यादा बात कहने का अपना बड़ा माध्यम है। मैं कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ें, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़ें और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें, कांग्रेस पार्टी के विचार रखें। सोशल मीडिया के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को विजयी बना सकते हैं। जय कांग्रेस।